नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको 21 जानकारियां ऐसी देने वाले हैं जो पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, सभी ध्यान से सुने कि वो 21 जानकारियां कौन सी हैं, वो 21 बातें कौन सी हैं जो हमेशा पूजा में वर्जित मानी जाती हैं। तो वो 21 बातें कौन सी हैं, मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। नंबर एक, आप जहां भी किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं किसी भी देवी देवता के, तो इधर से जाते समय जब मंदिर जाते हैं तो मेन गेट की जो घंटी होती है उस घंटी को बजाकर ही अंदर दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन जब उधर आप मंदिर से लौटते हैं तो मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए। नंबर दो, कहीं भी आप पूजा के स्थान में, पूजा घर में, मंदिर में, कहीं भी आप दीपक या ज्योत जला रहे हैं तो दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए, माचिस लीजिए, अलग से जलाइए। नंबर तीन, मंदिर हो या घर का पूजा घर हो, कहीं भी कोई भी मूर्ति या तस्वीर किसी भी देवी देवता की टूटी या चटकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मूर्तियां, वो तस्वीरें खंडित मानी जाती हैं। खंडित मूर्तियों या तस्वीरों की पूजा करने से कभी आपकी भक्ति का फल नहीं मिलेगा, उल्टा उसका बुरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसलिए खंडित मूर्तियों को, टूटी फूटी चटकी हुई, उनको बहते हुए पानी में सला देना चाहिए या गंगा में जाकर विसर्जन कर देना चाहिए। नंबर चार, कभी भी भूल कर भी जब गणेश जी की पूजा करें तो तुलसी ना चढ़ाएं, क्योंकि गणेश भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। नंबर पांच, घर के पूजा घर में कभी भी जो शिवलिंग आप लाते हैं या शिवलिंग रखते हैं तो वो 1 या 1.5 इंच का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच का, उससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर के पूजा के स्थान में नहीं रखना चाहिए। नंबर छह, आपके घर में पूजा का स्थान है, पूजा घर है, तो वहां कोई भी किसी देवी देवता की मूर्ति 6 इंच से बड़ी ना हो, 6 इंच से बड़ी तस्वीर, किसी भी देवी देवता की मूर्ति आपको आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का, आपके उपवास का कोई भी फल नहीं देगी। नंबर सात, घर के पूजा के स्थान में कभी भी ज्यादातर डबल चीजें मत रखिए, चाहे वो घंटी हो, शालीमार हो, शिवलिंग हो, शंख हो। नंबर आठ, यदि आपके घर में पूजा घर का स्थान है तो उसका मुंह हमेशा पूर्व पश्चिम को होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण को आपके पूजा घर का मुंह नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इससे आपकी करी हुई भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती, उसका बुरा प्रभाव भी आपको मिलेगा। नंबर नौ, जो आपका पूजा घर है या पूजा का छोटा मंदिर है या स्थान है तो उस स्थान को कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, उस पर पूजा के मंदिर में, पूजा घर के स्थान पर लाल कपड़ा ढका होना चाहिए, यानी पर्दा होना चाहिए, सिर्फ वो पर्दा तभी हटना चाहिए जब आप वहां बैठकर पूजा करते हैं, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, यानी खुला मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर दस, जहां आपका पूजा घर का स्थान है उसके सामने ना तो लैट्रिन होनी चाहिए, ना बाथरूम होना चाहिए, ना कोई गंदगी होनी चाहिए और ना ही कोई नुकीली चीज खड़ी होनी चाहिए, जैसे खंभा है या दीवार के किनार है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी चीज ऐसी वहां सामने नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। नंबर 11, पूजा का स्थान कभी भी जीने के नीचे, सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए, पूजा के स्थान के नीचे कोई भी अशुद्ध वस्तु ना हो या पूजा के स्थान के ऊपर कोई भी सामान या कोई अशुद्ध वस्तु ना रखी हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 12, देवी माँ की पूजा में कभी भी धूप को नहीं चढ़ाया जाता, भूल कर भी देवी माँ की पूजा में धूप ना चढ़ाएं। नंबर 14, यदि कोई भी बहन या भाई किसी भी देवी देवता का उपवास करना चाहता है, व्रत उठाना चाहता है, तो वो डायरेक्ट ना उठाएं, हमेशा उसका छोटा सा हवन घर में कराएं, यानी उस देवता की या देवी की स्थापना कराएं, तब उसका व्रत उपवास उठाएं, चालू करना चाहिए, शुभारंभ करना चाहिए, और तब आप 5 या 7, 11, 16 व्रत कर लेते हैं तो उसका जब आप समापन करते हैं, उद्धापन करते हैं या छोड़ते हैं तो तब भी हवन कराना चाहिए, उस देवी देवता का पूजन कराना चाहिए,
और कुछ अन्न दान वस्त्र करना चाहिए, तभी आपके किए हुए उपवासों का, किए हुए व्रतों का, की हुई पूजा का फल प्राप्त होगा। ये विषय ध्यान रखना, यदि आप डायरेक्ट व्रत उठाते हैं किसी भी देवी देवता का तो वो व्रत उठाना वर्जित माना जाता है, उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। नंबर 14, कभी भी तुलसी के पत्तों को तोड़कर बहुत से लोग चबाने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं, तो वो गलत है। कभी भी तुलसी को चबाकर नहीं खाना चाहिए। नंबर 15, शिव शंकर भगवान को कभी भी रोली का तिलक नहीं लगाना चाहिए, यानी कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए, नहीं कुमकुम रोली चढ़ानी चाहिए, यह वर्जित मानी जाती है। नंबर 16, कभी भी भूल कर भी मंदिर में या घर के पूजा के स्थान में यानी गणेश भगवान की 3 मूर्तियां एक सी सेम कभी भी भूल कर ना रखें, ये पूजा में, पूजा के स्थान में, पूजा के घर में या पूजा घर में वर्जित मानी जाती है। नंबर 17, कभी भी भूल कर भी सुहागनी स्त्रियों को चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल वर्जित माना जाता है। नंबर 18, रविवार के दिन तुलसी तोड़ना और तुलसी को जल देना वर्जित माना जाता है। नंबर 19, बृहस्पति यानी गुरुवार के व्रत करते समय या उपवास करते समय कभी भी केला भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें केले का पूजन किया जाता है, तो ये भी वर्जित माना जाता है। नंबर 20, यदि आप विष्णु भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको तिलक तो आप लगा सकते हैं, लेकिन तिलक के साथ चावल नहीं लगा सकते, चावल लगाना विष्णु भगवान जी को निषेध माना जाता है, विशेष ध्यान रखें। नंबर 21, यदि आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो आपको 7 दिन पहले से ही ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति या पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के बाद, जैसे कि हमें सुबह यात्रा पर जाना है या 2 दिन बाद जाना है, तो यदि कोई भी स्त्री या पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाकर यात्रा पर जाते हैं तो वो वर्जित माना जाता है। जो शारीरिक संबंध बनाकर यात्रा पर जाता है वो महापाप माना जाता है, यानी वो अपवित्र हो जाता है, ऐसे इंसान को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि 7 दिन पहले से ही ब्रह्मचार्य का पालन करें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी, आपको यात्रा का फल मिलेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। नंबर 22, में आपको जाते जाते एक जानकारी और भी दे देना चाहता हूं कि कभी भी पूजा के स्थान में जहां आप पूजा करते हैं वहां भूल कर भी आप अपने पितरों की तस्वीर न रखें, यानी कि अपने पूर्वजों की तस्वीर न रखें या अपने गुरु की कोई तस्वीर न रखें, क्योंकि भगवान और इंसान बराबर नहीं हो सकते, ये आप अच्छी तरह सोच लें। दूसरी बात यह है कि आप चाहे पूजा 2 मिनट करो, लेकिन मन और श्रद्धा से करें, बिना कपट के, बिना लालच के। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी 2 मिनट की पूजा से ही आपको फल मिलेगा, आपका देवी, आपका देव, आपका पितृ और आपका गुरु आपसे प्रसन्न रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसी तरीका से आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही खास, बहुत ही कम समय में आपके लिए वीडियो पेश करता हूं। मेरे भाई, मेरे बंधु, यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूजा से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। जिस भाई और बंधु ने, मेरी माता और मेरी बहन ने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।